सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। क्रिकेट की दुनिया में नाम कमाने वाले राजनीति की दुनिया में तो झंडे गाड़ते रहे हैं, लेकिन अब राजनीति की पिच पर बैटिंग करने वाले क्रिकेट की दुनिया में भी छक्के चौके लगा रहे हैं। शिमला में हुआ एक T20 मैच जिसमें राजनीति के दिग्गज एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता को भूलकर एक टीम में खेलते नजर आए, लेकिन राजनेताओं की गठबंधन टीम को भी मीडिया के सामने हार का सामना करना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। सीएम जयराम ठाकुर के हाथ में बैट, तेज गति से आती गेंद को जयराम ठाकुर ने पहुंचाया सीमा के पार। राजनीति की पिच पर छक्के चौके मारने वालों के हाथ में क्रिकेट बैट देखकर आप हैरान हो सकते हैं, लेकिन आप जो कुछ देख रहे हैं वो पूरी तरह सच है। यह है हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर का T20 मैच। सीएम ने बल्लेबाजी भी की और गेंदबाजी भी, और जब उन्होंने गेंद संभाली तो बल्लेबाज के तौर पर सामने आए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। राजनीति के सितारे क्रिकेट के मैदान में उतरे। मौका था शिमला में हुई T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का, जिसके पैरल मुकाबले में प्रेस 11 ने सीएम 11 को हराकर जीत दर्ज की। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने टॉस के लिए सिक्का उछाला। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करने वाली सीएम 11 ने 20 ओवरों में 94 रन बनाए। इस लक्ष्य को प्रेस 11 ने 13 ओवरों में एक विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। इस प्रतियोगिता में तीन टीमों ने हिस्सा लिया। सीएम 11 और प्रेस 11 के साथ गवर्नर 11 भी प्रतियोगिता में शामिल हुई। सीएम जयराम ठाकुर ने बताया, ऐसे आयोजनों से नेताओं, अधिकारियों और मीडिया कर्मियों को मिलने का मौका भी मिल जाता है। तीन टीमों के बीच में क्रिकेट मैच हुआ और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक प्रयास होता है। साल भर में एक बार इस टूर्नामेंट का आयोजन होता रहता है और इस टूर्नामेंट के माध्यम से सब लोगों को मिलने का एक अवसर मिलता है। जो हम सब लोग विधायक हैं, अधिकारी हैं, और उनके साथ साथ में हमारे जो लोकतंत्र का हमारा चौथा स्तंभ पत्रकार मित्र, तो एक अच्छी एक गेट टुगेदर भी हो जाती है। हालांकि इस मुकाबले में जयराम ठाकुर ने 20 रनों का योगदान दिया। खास बात यह रही कि जयराम ठाकुर की टीम में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह और पूर्व विधानसभा स्पीकर ब्रज बिहारी लाल बुटेल के बेटे आशीष बुटेल भी शामिल थे। सीएम ने मैच के बाद आयोजनकर्ताओं को भी धन्यवाद दिया। इस आयोजन के लिए जो लोग लगे थे उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, जिसमें बीडी शर्मा, डॉक्टर लोकेंद्र और उनके साथ पूरी टीम, और जो यहाँ पर शिमला डिस्ट्रिक्ट के क्रिकेट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर ठाकुर, और इन सारे लोगों ने जो है बड़ा सहयोग किया। जो स्पॉन्सरशिप इन साथियों से जिनसे ली है उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ इस टूर्नामेंट के आयोजन के लिए जो सहयोग दिया। आयोजन को लेकर राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि ऐसे मैचों से बंधुत्व की भावना तो विकसित होती ही है, सेहत को लेकर भी जागरूकता आती है। प्रतियोगिता से आपस में भाईचारा, एकता, बंधुत्व का भाव पैदा होता है और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति हम गंभीर होते हैं, ताकि हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और मैत्री भाव भी बढ़े और खेलों को प्रोत्साहन मिले, ताकि हमारी युवा पीढ़ी ड्रग्स और नशों से छूट करके अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर होकर समाज की मुख्य धारा में जुड़े। सीएम जयराम ठाकुर फाइनल मैच तो हार गए, लेकिन उन्होंने कहा उनको हारने की आदत नहीं है और विधानसभा के बजट सत्र की वजह से उनको प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला। अगली बार प्रैक्टिस करके मैदान में उतरेंगे और जीतने की कोशिश भी करेंगे। सीएम ने पुलिस मैदान को 20 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया, ताकि उसे इस तरह के खेलों के लिए विकसित किया जा सके। चलिए, सीएम साहब, जीत और हार तो खेल में लगी ही रहती है, लेकिन आपका खेलों के प्रति ऐसा रुझान देखकर युवाओं को भी प्रेरणा जरूर मिलेगी। सुनील परमार, MH1 न्यूज़, शिमला।